वेलकम टू आरके कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं 18x60 के प्लान की। मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर अविनाश जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि 18x60 के ऊपर आप मेरे को एक नक्शा दीजिएगा और साथ के साथ उसका फ्रंट एलिवेशन भी दे दीजिएगा। तो मैंने कोशिश की है कि फ्रंट एलिवेशन के साथ साथ उनको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का नक्शा बनाया है, और मेरे हिसाब से मेरे व्यूवर्स को भी ये पसंद आएगा। तो समझते हैं पहले इसके फ्रंट एलिवेशन के बारे में। तो ये फ्रंट एलिवेशन है हमारा, जिसमें कि ये जो मेन गेट है वो 9 फीट का मैंने दे रखा है, और ये जो बाउंड्री है वो भी 9 फुट की है, 9 दूनी 18 हो गई है ना। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है वो करीबन 3 फुट का है, और ये वाला हिस्सा 6 फुट का है ना। तो वो डिज़ाइन में अपने को समझ में आ जाएगा जब हम इसके प्लान के बारे में बात करेंगे। ये वाला बालकनी एरिया है, और इधर ही थोड़ा सा निकला हुआ है एक्सटेंडेड 3 फुट और, तो इसकी खूबसूरती बढ़ा दे रहा है ना। इधर वॉशरूम आ जाएगा, ये तो प्लान के हिसाब से ही समझा जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके वॉक थ्रू पे, है ना, इसके वॉक थ्रू पे चलते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जिसमें कि हमारी ये पोर्टिको एरिया, ये 9 फुट का दरवाज़ा है और 9 फुट की उधर से बाउंड्री है, और इधर 5x4 का वॉशरूम आगे की तरफ दे रखा है, जैसे कि आपके क्लाइंट हो वो आए और यूज़ करके चले जाएं, और जैसे आप लोग आए हाथ पैर धुले अंदर को चले गए, तो काफ़ी फ़ायदा होता है बाहर के बाथरूम में। तो पोर्टिको हमारा जो है 11 फुट 8 इंची का है और 16 फुट गहरा है, और वॉशरूम वही बात की जाए तो 5x4 का है। और मेहमान जैसे आए, मेहमान आना होगा तो वो लिविंग रूम में आएंगे, जो कि हमारा 12 फुट 9 इंची x15 फुट का है ना। और उधर ही से देखा जाए तो बगल से हमने कॉरिडोर दे रखा है 4 फुट का, जो कि घर वाले उसको अंदर जा सकते हैं, और जैसे आपके मेहमान हैं बहुत ख़ास हैं तो वो लिविंग रूम से सीधे डाइनिंग हॉल में आ सकते हैं, जो कि 11x13 का है, और घर वाले हैं तो सीधे 11x13 के डाइनिंग हॉल में जा सकते हैं, या बेडरूम में जाना हो तो सीधे बेडरूम में जाएँ, लिविंग रूम से कोई मतलब नहीं। अच्छा, हॉल के सामने ही मैंने ओपन किचन दे रखी है 5 फुट 10 इंची x9 फुट की, और उसके बगल में ओपन टू स्काई मतलब छोटा सा आंगन है, जो कि 3.5 फुट चौड़ा है और लगभग लगभग 5 फुट का आपका गहरा होगा, मतलब लंबाई होगी। और वहीं पे वॉश बेसिन लगा रखा है कि आप लोग हाथ धुले और सीधे सीधे जो है डाइनिंग पे बैठ गए, या बर्तन वर्तन धुलने की एक छोटी सी जगह हो गई है ना। और वहीं बेडरूम की बात की जाए तो 11 फुट 9 इंची x14 फुट की है, और उधर ही से जो है एक छोटा सा आंगन खुल रहा है, वहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और हॉल की बात की जाए तो हॉल से ही मैंने अटैच कर दिया है 5x9 का बाथरूम, उसको बेडरूम से अटैच नहीं किया था, मेरे को बेडरूम का थोड़ा अजीब लगता है इसलिए मैंने नहीं किया, आप लोगों को करना होगा तो कर लीजिएगा, कम जगह थी इसलिए। और रही बात जो है इस प्लान की, तो वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं। तो वेंटिलेशन के लिए इसका सीधे सीधे यहाँ से वेंटिलेशन हो जा रहा है इस कमरे का, है ना, इस वॉशरूम का यहीं से हो जा रहा है, किचन का जो है इधर से हो जा रहा है, इस हॉल का भी यहीं से हो जा रहा है, इस बेडरूम में भी इधर ही से हो जा रहा है, लिविंग रूम में, और इधर का भी यहीं से हो जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर वेंटिलेशन का प्लान है, और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चलते हैं अब इसके फर्स्ट फ्लोर के लिए। फर्स्ट फ्लोर चलना हो तो यूँ ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर के लिए आप जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लोर का वॉक थ्रू। तो हम लोग जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में पहुँचते हैं तो यहाँ पे बालकनी एरिया आ जा रहा है ना, उसको लिविंग रूम टाइप, बहुत बड़ा बालकनी है इसलिए मैंने लिविंग रूम टाइप रख दिया है कि भाई मेहमान वहमान आए तो वहीं बैठे बढ़िया से बैठ के बात हुई, है ना, और बालकनी भी है। तो लिविंग रूम जो हमारा बालकनी जो हमारी है वो 11 फुट 8 इंची x16 फुट की है, उधर ही जो है वॉशरूम दे रखा है 5x4 का, जो कि हमारा वॉशरूम है, यूज़ उस करना होगा तो यूज़ कर लेगा, जैसे यहाँ पे 2 बेडरूम है तो पहले बेडरूम वाले को यूज़ करना होगा तो वो अपना आराम से यूज़ कर लेगा, उसको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है बार बार जब रात को ताला बंद रहता है, वैसे अंदर के लिए दरवाजे हैं उसमें। और जैसे अंदर वाले बेडरूम के लिए जाना हो तो यही कॉरिडोर से होते हुए जो 4 फुट चौड़ी है अंदर आएगा, जो कि 11x13 का एक हॉल मिल जा रहा है छोटा सा, है ना, गेट टुगेदर के लिए। वहीं पर मैंने स्टोर रूम दे दिया है, पहले नीचे किचन थी तो ऊपर जो है स्टोर रूम हो गई है 5 फुट 10 इंची बाई 9 फुट की,
और पीछे वही सेम बाथरूम 11 फुट 9 इंची बाई 14 फुट का, वही ओपन टू स्काई, वैसे ही जो है वॉशरूम ऊपर को हॉल से अटैच है ना। तो इसमें हमारा जो है सेम वही चीज़ें हैं, बस इसमें एक बेडरूम बढ़ गया है और लिविंग रूम बाहर की तरफ हो गया है जहाँ पर पोर्टिको था। जैसे आपको किराए विराए के लिए देना हो, नीचे वाला सिस्टम किराए वालों को दे दीजिए, ऊपर वाले में 2 बेडरूम एक लिविंग रूम आपको मिल जा रहा है, किचन स्टोर रूम की जगह आप बना लीजिएगा, जैसा आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो अपने यूज़ के लिए रखना, परिवार बढ़ा है तो अपने यूज़ के लिए हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये जो है एक प्लान है और सेम वेंटिलेशन का सिस्टम है, सेम वेंटिलेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो ये वाला हिस्सा हमारा लिविंग कम बालकनी रूम हो गया, ये 9 फुट का गेट हो गया, इधर जो है ये 9 फुट की बाउंड्री है हमारी, जिसमें कि ये 6 फुट तक हमारा बाथरूम आ जाएगा और ये 3 फुट तक हमारा ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। वैसे आप अगर 3.5 भी ले लेंगे तो कोई बुरा नहीं है। और ऊपर ममटी हमारी ये 9 फुट की हो जाएगी है ना, और चौड़ी जो है हमारी वही 16 फुट तक ही जाएगी। एक छोटा सा ऊपरी ममटी में स्टोर रूम निकालना चाहें तो निकल सकता है। और मेरे हिसाब से ये प्लान परफेक्ट है ना, इसके फ्रंट एलिवेशन के हिसाब से मेरे को तो ये बहुत पसंद है और अविनाश जी को भी पसंद है, आई थिंक आप लोगों को भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सको, प्लान के उसमें पर्पज़ में या फाउंडेशन के पर्पज़ में या स्ट्रक्चर के पर्पज़ में किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करिएगा बेझिझक, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मदद कर सकूँ। तो थैंक यू आज के लिए और देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।